तकरीबन 6000 प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल से बनाई जाती हैं और क्रूड ऑयल को प्रोसेस करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए बड़े पैमाने में रिफाइनरीज चाहिए होती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले समझ लेते हैं क्रूड ऑयल क्या होता है। क्रूड ऑयल अनप्रोसेस्ड ऑयल को कहते हैं जो रॉ फॉर्म में होता है और उसे ज़मीन और समुंदर के अंदर बहुत गहराई से निकाला जाता है। इसको निकालने के लिए हैवी ड्रिलिंग मशीन्स जैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्रूड ऑयल निकालना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, इसको निकालना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे काम की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, जैसा कि मोटर गैसोलीन, डीजल फ्यूल, हीटिंग ऑयल, जेट फ्यूल, पेट्रोकेमिकल्स, वैक्सेस, लुब्रिकेटिंग ऑयल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, केरोसिन ऑयल, प्लास्टिक, टायर्स, इंक वगैरह। दोस्तों, इन तमाम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप जान ही गए होंगे कि इसको निकालना क्यों इतना ज़रूरी है। दोस्तों, क्योंकि क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके ही ये तमाम प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, इन ऑयल्स को प्रोसेस करने के लिए बहुत बड़े सेटअप और रिफाइनरीज दरकार होती हैं, जिनकी मदद से इनको रिफाइन करके इन प्रोडक्ट्स को हासिल किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज कौन सी हैं और कहाँ कहाँ वाकई हैं। नाजरीन, पहले नंबर पर आती है रिलायंस जमनगर रिफाइनरी। ये रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जो इंडिया के एक स्टेट गुजरात के शहर जमनगर में वाके है। इस रिफाइनरी की बुनियाद 14 जुलाई 1999 को रखी गई और ये ऑयल रिफाइनरी 1.24 मिलियन बैरल पर डे ऑयल रिफाइन करने की सलाहियत रखती है, जो यकीनन दुनिया की तमाम रिफाइनरीज से ज़्यादा है। ये रिफाइनरी तकरीबन 7500 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें 50 से ज़ायद प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद हैं। इस रिफाइनरी की कंस्ट्रक्शन 3 साल के अरसे में मुकम्मल हुई, जिसकी लागत तकरीबन $6 बिलियन बताई जाती है। नाजरीन, दूसरे नंबर पे आती है पैराग्वाना रिफाइनरी सेंटर। पैराग्वाना रिफाइनरी सेंटर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी समझी जाती है, जो वेनेजुएला में मौजूद है। दोस्तों, वेनेजुएला एक कंट्री है जो साउथ अमेरिका की तरफ वाके है। ये एक आइलैंड है जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जानी जाती है। इस रिफाइनरी की बुनियाद 1949 में रखी गई थी और ये रिफाइनरी 9,55,000 बैरल ऑयल पर डे रिफाइन करने की सलाहियत रखती है। ये तकरीबन 5,000 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें 35 से ज़ायद प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद हैं। नाजरीन, तीसरे नंबर पर आती है ऑल्सन रिफाइनरी। ऑल्सन ऑयल रिफाइनरी एक कोरियन रिफाइनरी कंपनी है, जिसको कोरिया की सबसे पहली रिफाइनरी होने का भी एजाज़ हासिल है। इस कंपनी को एसके एनर्जी ओन करती है और ये ऑयल रिफाइनरी साउथ कोरिया के एक शहर ऑल्सन में वाके है। दोस्तों, ये रिफाइनरी 8,40,000 बैरल ऑयल पर डे रिफाइन करने की सलाहियत रखती है, जिसमें तकरीबन 34 बड़े स्टोरेज टैंक मौजूद हैं, जो क्रूड ऑयल को स्टोर करने के काम आते हैं। इस रिफाइनरी में LPG, गैसोलीन, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल वगैरह बड़े पैमाने में रिफाइन किया जाता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर यूसो रिफाइनरी कंपनी आती है। ये साउथ कोरिया की दूसरी बड़ी रिफाइनरी कंपनी है और दुनिया की चौथी बड़ी ऑयल रिफाइनरी में इसका नाम शामिल है। ये रिफाइनरी साउथ कोरिया के एक शहर यूसो में वाके है, जिसमें तकरीबन 7,60,000 बैरल ऑयल पर डे रिफाइन करने की सलाहियत मौजूद है। दोस्तों, ये रिफाइनरी GS केल्टस के ज़रिए ऑपरेट होती है और इस रिफाइनरी का जॉइंट वेंचर GS होल्डिंग और चेवरॉन ग्रुप के दरमियान हुआ है। नाजरीन, पांचवे नंबर पर आती है उनसान रिफाइनरी। ये रिफाइनरी भी साउथ कोरिया के एक इंडस्ट्रियल इस्टेट ऑल्सन में वाके है। इस रिफाइनरी की बुनियाद 6 जनवरी 1976 में रखी गई, तब इसका ओरिजिनल नेम कोरिया ईरान पेट्रोलियम था। ये रिफाइनरी तकरीबन 4,000 एकड़ पर मुश्तमिल है और ये कंपनी 6,69,000 बैरल ऑयल पर डे ऑयल रिफाइन करने की सलाहियत रखती है। ये रिफाइनरी एस ऑयल कॉरपोरेशन के ज़ेरे निगरानी काम करती है और इस कंपनी का जॉइंट वेंचर सऊदी अरामको और हिंजन ग्रुप के दरमियान हुआ है। क्या आपने कभी किसी ऑयल रिफाइनरी का विज़िट किया है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।